देखते हैं क्या होता है, ये तो नहीं देगा। पहला छक्का आता हुआ। वेल नमस्कार, हमारे जितने भी एफबी के फॉलोवर्स है और मुकेश बलम की ब्लॉग्स के जितने भी सब्सक्राइबर है, उन्हें एक बार फिर से नए वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो आज सेकेंड एडिशन सुपरलेटिव T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का ये नवा दिन है और इस नवे दिन में पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, जो कि है मरियानी क्रिकेट कोचिंग सेंटर, और यहाँ से जो जीतेंगे वो सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगे। तो थोड़ा क्लिप्स देखें आप, उसके बाद बातें करते हैं आप लोगों से। बात कट करना चाहते थे लेकिन थोड़ी उछल कर आया, इसलिए सिंगल ले पाए मात्र हल्के बेट से खेलकर। नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगा आप लोगों को, और बाकी जो नेक्स्ट मैच होगा वो मैं कोशिश करूंगा पूरा दिखाने में, क्योंकि मेरी अभी बैटरी इशू है, बैटरी चार्ज नहीं है, इसलिए इस वीडियो इस मैच को थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा। चले मिलते हैं कुछ ओवर बाद। और अभी की स्थिति ऐसे है कि 9 ओवर की समाप्ति पर 75 रन है 3 विकेट के नुकसान पर ईशा वारियर का। तो मिलते हैं आप लोगों को लगभग 15 ओवर या 20 ओवर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। वेल, अभी एक कैच छोड़ दिया फिर से, पिछले मैच में जिसने सेंचुरी मारा था उसने उसका ही कैच छोड़ा, कहीं ये कैच मुरियानी को ज़्यादा भारी ना पड़े। तो चलिए देख सकते हैं, अपने मैच के बारे में सोच रहे होंगे, इसके बाद उनका ही मैच है, कैसे बैटिंग करेंगे, क्या दिपेन क्या सोच रहे हैं, मैच देख रहे हैं। आखिरी ओवर प्रगति पर है, मुरियानी क्रिकेट कोचिंग सेंटर ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। देखिए स्कोर एक समय कहाँ थे, 8 ओवर पे 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अब पहुँच गए 127 19 ओवर की 20 ओवर की रनिंग पे। हवा में गेंद, तो ये है स्कोर अपडेट, 20 ओवर प्रगति पर है 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर ईशा वारियर का। एक समय मैंने प्रेडिक्शन किया था 195, किसी ने 175, किसी ने 155, पर किसी का प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ इस मैच को लेकर। अनप्रेडिक्टेबल हो गया, बहुत कैच छोड़े, बहुत स्टंपिंग छोड़े, फिर भी कमबैक किए मरियानी क्रिकेट कोचिंग सेंटर ने, और अभी की स्थिति यह है कुछ भी हो सकता है। देखिए अगली गेंद बोल्ड कर दिए, नवा विकेट गिरते हुए, काफी स्लो थी ये गेंद, जल्दी बैट घुमा दिए। ईशा वारियर क्रिकेट क्लब जो कि डीमापुर की है 129 पे ऑल आउट हो चुकी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि 190 180 तो आराम से बना देंगी, क्योंकि उनका 8 ओवर में 85 रन था, और कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वैसे ही हो गया, ऑल आउट हो चुकी है। अब उनके सामने मरियानी के सामने 130 रन का लक्ष्य रखा है, तो बाकी क्या है, क्रिकेट ऐसा ही है, तो क्रिकेट दिखाते हैं आप लोग को, हमारे साथ बने रहे। तो अभी दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है, टारगेट 130 है, देखते हैं कौन जीतते हैं, जो भी हो फाइनल एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से दोनों ही टीमें तगड़ी है, और यहाँ से क्वालिफाई करते तो सीधे फाइनल पहुँचेंगे। और शाम का जो मुकाबला है फोर सीजन वर्सेस बोकाजन क्रिकेट क्लब, वो भी एक अच्छा मुकाबला होने वाला है, और बोकाजन के कैप्टन तो हमारे सामने मौजूद है सर्डली वे, और बोकाजन के वेल विशर गोविंद गांधी, दोनों जन यहाँ भी मीटिंग कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए। खैर ये तो बात की बात है, अभी देखिए मैच देखें, मैच पूरा ही बैलेंस हो रखा है, यहाँ देख सकते हैं स्कोर अभी 98 दिखा रहा है, लेकिन ओवर के बाद ये 103 रन बन चुका है मरियानी का, और उनको 13 गेंदों पर 27 रन की दरकार। हल्के हाथों से खेला गया इसे स्क्वायर क्षेत्र पर, एक रन विकास क्षेत्र के द्वारा। तो स्थिति अभी जो भी मैच को लेकर जो जा रहे हैं वो विकास क्षेत्री लेके जा रहे हैं, विकास क्षेत्री कप्तान की पारी खेल रहे हैं, अभी स्कोर अपडेट होने वाला है, चलिए दिखाते हैं आप लोग। तो ये है स्थिति, देखिए अब 26 रन चाहिए 12 गेंदों पर, और सामने अभी स्ट्राइक पे विकास क्षेत्री, इस ओवर में उनको कुछ करना पड़ेगा, या तो आर या तो पार, वरना ये मैच उनके हाथ से ऐसे भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक रन, दो रन ले सकते थे, और यहाँ पर खेल दिया है पीछे फील्डर, मुझे बढ़िया फील्डिंग, यहाँ पर घूमते पड़ते और यहां पर बहुत ही
अंतिम पांच गेंदे, चार छक्के की जरूरत है मरियानी सीसी को जीतने के लिए। देखते हैं क्या होता है, ये तो नहीं देगा। पहला छक्का आता हुआ और ये छक्का बहुत ही शानदार इनिंग्स खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। कप्तान है, जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं आया। अभी भी मैच में बना रखे है विकास छेत्री। चार बॉल तीन छक्का, देखते हैं क्या होता है अगले बॉल पर। सीधा खेला, दो रन लेने की कोशिश और रन आउट, और ये पहुंच गए। बहुत ही कांटेदार मुकाबला लास्ट ओवर में देखने को मिल रहा है हमें। विकेट भी बची हुई है और रन अब 14 रन चाहिए, तीन गेंदे बची हुई है। देखते हैं क्या होता है आखिरी तीन गेंदों पर। विकास छेत्री स्ट्राइक पर, फिर से हवा में फील्डर्स के नीचे और ये आउट। अपने टीम को पूरी तरह से संभाल के रखे थे, कोशिश कर रहे थे कि रस्सी के पार पहुंचाए, लेकिन वो रस्सी से बंध गए और आखिरकार अपने विकेट को वापस अपने विकेट को देकर जाते हुए पवेलियन की ओर। अब यहाँ से स्थिति ऐसी है कि लगभग ये ईसा वारियर की तरफ मैच जाता हुआ, मतलब हमें लगभग कह सकते हैं कि ये फाइनल में प्रवेश करने के बहुत चांसेस है ईसा वारियर के। मुरियानी अब चांस बहुत, दो गेंदों पे 14 रन, ये हो ही नहीं सकता। अब दिखाते हैं चलिए फिर भी आप लोगों को। दिस द सेकंड एडिशन सुपर लीग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन द लविंग मेमोरी ऑफ फ्लैट बादल दास का हमें पहला फाइनलिस्ट मिलते हुए ईसा वारियर। काफी कड़ा मुकाबला था ये, पर मरियानी सीसी ने जीत नहीं सका ये मैच। तो बाकी अभी मैच होनी है बीसीसी और फोर सीजन सेकंड सेमीफाइनल, तो वो दिखा दे। बीसीसी के खिलाड़ी यहाँ पे ड्रेस अप करके रेडी है और फोर सीजन के खिलाड़ी वहाँ पे है, तो वही है दिखाएंगे आगे क्या।